Hi, welcome back to my channel and again I am going to tell you some tips about gardening. So, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने प्लांट्स की केयर विंटर सीजन में कैसे कर सकते हैं. तो इस वीडियो में आपको सनलाइट से लेकर वाटर रिक्वायरमेंट, कंपोस्ट रिक्वायरमेंट, पिंचिंग, कटिंग सबके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम बात करते हैं सनलाइट रिक्वायरमेंट की. तो सर्दियों में जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको सन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है. जितने भी मैं आपको प्लांट्स कैटेगरी वाइज एक ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करके बता देती हूँ, तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, सीजनल विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं मेनली, उनको सबको बहुत ज्यादा सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है. तो आप इनको सनलाइट में रखिए. जो कैक्टस टाइप के प्लांट होते हैं, कैक्टस होते हैं, एलोवेराज होते हैं, सक्यूलेंट्स होते हैं, उनको तो सनलाइट रिक्वायरमेंट है ही. जो लीफी प्लांट होते हैं उनको भी आप मॉर्निंग की सनलाइट में रखिए, क्योंकि ठंड में बहुत ही ज्यादा कोहरा होने के कारण उनकी लीव्स जो होती है उनके ऊपर जो एक पतली सी लेयर जम जाती है पानी की, और वो प्लांट्स की लीफ को कलर भी फेड करती है और उनको सड़ाने का काम भी करती है. तो इसीलिए आप उनको मॉर्निंग की सनलाइट दीजिए. तो इस तरीके से मैंने सारे प्लांट्स को डिवाइड कर लिया है. और अगर आपके यहाँ बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर लो है तो आप रात में उन सारे प्लांट्स को कवर भी कर सकते हैं. और जो तुलसी का प्लांट होता है वो सबके घर में होता ही है, तो उसको तो आप रात में कवर करें, अदरवाइज उसकी सारी लीव्स जो है ना वो झड़ जाएगी. सो ये बात की हमने सनलाइट रिक्वायरमेंट के बारे में. अब हम बात करते हैं पेड़ों में जो कीड़े लग जाते हैं उनके बारे में. सर्दियों में क्या होता है, ठंड बहुत ज्यादा होती है और सनलाइट बहुत ज्यादा कम होती है, जिसके कारण जो मॉइस्चर होता है लीफ के ऊपर वो बहुत ज्यादा रहता है, और जो हम पानी भी डाल देते हैं जो लीफ के ऊपर आ जाता है वो भी सूख नहीं पाता है. तो इसके कारण उसके ऊपर बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं. आपने देखे होंगे ग्रीन कलर के छोटे छोटे ब्लैक व्हाइट कलर के मिली बग्स लग जाते हैं. तो उनको आप ध्यान रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप वीकली उनपे नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे. अगर आप उनपे वीकली नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे तो उनके ऊपर ये प्रॉब्लम होगी नहीं. अगर नहीं लगे हैं तो नीम ऑयल काम कर जाएगा, मगर अगर उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में कीड़े लग गए हैं तो आप क्या कर सकते हैं उनके ऊपर, मार्केट में आपको ऑर्गेनिक, अगर आप केमिकल यूज करते हैं तो केमिकल तो बहुत आसानी से मिल जाएगी, और मार्केट में आपको ऑर्गेनिक नीम ऑयल बेस्ड आपको लिक्विड मिल जाएगा. एक कप लिक्विड, अप्रोक्स 10 मिलीलीटर ऑफ लिक्विड, आप 1 लीटर पानी में डाल के मिक्स करके उसको स्प्रे कर दीजिए. और अगर आप वो भी नहीं करना चाहते हैं तो नीम ऑयल का जो आप प्रपोर्शन लेते हैं नॉर्मली स्प्रे करने के लिए, उस प्रपोर्शन को डबल कर दीजिए. नीम ऑयल का प्रपोर्शन कैसा होता है, 1 स्पून ऑलमोस्ट 5 मिलीलीटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर, तो आप 10 मिलीलीटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर कर दीजिए और उनको रेगुलरली स्प्रे कर दीजिए. ओके, अगर आप कुछ भी स्प्रे करते हैं प्लांट के ऊपर, केमिकल फर्टिलाइज, केमिकल पेस्टिसाइड या फिर ऑर्गेनिक, तो आप सनराइज के पहले या तो स्प्रे करें, या बेस्ट रहेगा अगर आप शाम को स्प्रे कर देते हैं तो रात भर में वो अपना वर्क करेगा, और सुबह जब आप उनको वॉटरिंग करने जाएं तो आप उनकी लीव्स को अच्छे से वॉश कर दें ताकि उनकी फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए. तो ये बात करी हमने पेस्ट की. हम बात करते हैं वाटर रिक्वायरमेंट के बारे में. सो वाटर रिक्वायरमेंट के बारे में तो मुझे आपको बताना की जरूरत ही नहीं है, मगर फिर भी सन बहुत कम होता है इसलिए वाटर भी बहुत कम चाहिए, क्योंकि वाटर जो सॉइल में होता है वो इवेपोरेट ही नहीं होता है. तो आप चाहें तो 2 से 3 दिन में पानी दें आपके पौधों को. और सबसे बेस्ट होता है ना सॉइल टेस्ट, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, अब जब आप प्लांटिंग करते हैं तो आप सॉइल का प्रपोर्शन प्रॉपर नहीं रख पाते हैं, तो जिस स्पीड से वाटर इवेपोरेट होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, और सनलाइट भी कभी कभार बहुत ज्यादा कम हो जाती है या बहुत ज्यादा हो जाती है. तो वाटर या तो बहुत ज्यादा इवेपोरेट होता है तो आपकी जो सॉइल होती है वो बिल्कुल ही ड्राई हो जाती है, या फिर वो मॉइस्चर रहती है और आप और ज्यादा वाटरिंग कर देते हैं तो रूट जो होती है वो बिल्कुल क्लॉक हो जाती है सॉइल के अंदर, और रूट रॉट की प्रॉब्लम हो जाती है और आपका जो प्लांट है वो बढ़ ही नहीं पाता है. तो इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, सॉइल टेस्ट करिए. आप सॉइल में अपने फिंगर डालिए, अगर वो सॉइल आपको 1-2 इंच तक मॉइस्ट लगे तो आप पानी मत डालिए, आपके प्लांट को कुछ भी नहीं होगा. और अगर वो बिल्कुल ही ड्राई लगे तो आप पानी जरूर डालिए, और हल्की मॉइस्ट लगे तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं ताकि अगर उसमें पानी कम है तो उसका काम हो जाए. तो दिस इज ऑल अबाउट वॉटरिंग इन योर प्लांट. तो अब हम बात करते हैं कंपोस्ट या खाद की. तो अगर आपने प्लांटिंग करते टाइम विंटर सीजनल प्लांट खासकर, अगर उनको रीपॉट करते टाइम अगर आपने उनमें वर्मी कंपोस्ट या कोई भी खाद डाल दी थी, तो आप पूरे सीजन कोई भी सॉलिड खाद उनके अंदर मत डालिए, क्योंकि ठंड में
ठंड ज्यादा होने के कारण और सनलाइट कम होने के कारण खाद सॉलिड खाद डीकम्पोज जल्दी नहीं होती है और वो डीकम्पोज जल्दी नहीं होती है इसके कारण प्लांट्स को न्यूट्रिशंस मिल ही नहीं पाते हैं और वो सीजनल प्लांट्स होते हैं मेनली तो उनको न्यूट्रिशंस की बहुत जल्दी जल्दी जरूरत होती है। तो आप उनके अंदर डालिए लिक्विड फर्टिलाइजर। लिक्विड फर्टिलाइजर के अंदर आप उनमें बनाना पील का फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। मार्केट में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स मिलते हैं लिक्विड फर्टिलाइजर्स, आप उसको एक लीटर पानी में मिला लीजिए और एक एक मग के आप सब में डाल दीजिए। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जो गोबर खाद होती है उसको आप पानी में डालकर 24 आवर के लिए छोड़ दीजिए और वो जो पानी होता है वो पानी आप सारे गमलों में डाल दीजिए, तो उनसे आपके प्लांट्स की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो बहुत जल्दी पूरी होगी। और बात रही फ्रूट प्लांट्स की, जैसे टोमेटो है या चिलीज है जो आप ठंड में मोस्टली लगाते हैं, तो आप उनके अंदर जरूर सॉलिड फर्टिलाइजर्स डाल सकते हैं क्योंकि उनको फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट बाकी प्लांट से थोड़ी ज्यादा होती है क्योंकि वो फ्रूट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आप उनके अंदर डाल सकते हैं हर 10 से 15 दिन के गैप में थोड़ा सा एक मुट्ठी वर्मी कम्पोस्ट या कोई भी कम्पोस्ट या फिर लिक्विड फर्टिलाइजर। तो ये हमने बात की कम्पोस्ट की। तो अब हम बात करते हैं कटिंग के बारे में, कटिंग इन द सेंस पिंचिंग के बारे में। तो आप ठंड के मौसम में बेझिझक होकर प्लांट की पिंचिंग कर सकते हैं, मगर उन प्लांट की पिंचिंग ना करें जो डोरमेंसी पीरियड होता है जिनका। फॉर एग्जांपल मोगरा का जो प्लांट होता है वो डोरमेंसी पीरियड क्या होता है कि इस सीजन में वो प्लांट जो है वो एक तरीके से नींद में चला जाता है, वो प्लांट ना फ्रूटिंग करेगा ना ज्यादा तेजी से बढ़ेगा ना फ्लावरिंग करेगा। तो उन प्लांट्स को आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, एक हफ्ते में एक बार पानी डालिए वैसे प्लांट्स में। बाकी जो प्लांट्स होते हैं उनके बेझिझक पिंचिंग करिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं ठंड में पिंचिंग करने के। तो ये हमने बात की पिंचिंग के बारे में। ओके, इट्स टाइम फॉर बोनस टिप। तो ठंड में क्या होता है, बहुत ज्यादा कोहरा पड़ता है या फिर हल्की फुल्की सी बारिश होने के कारण जो सॉइल होती है वो बहुत ज्यादा ही मॉइस्ट हो जाती है और लीफ के ऊपर भी बहुत ज्यादा पानी पड़ जाता है और सनलाइट ना मिलने के कारण वो पानी सूख भी नहीं पाता है, तो आपकी लीफ भी गलना चालू हो जाती है। तो सबसे पहले सबसे ईजी प्रैक्टिकल सोल्यूशन, आप उसको रेन वाटर से बचा लीजिए आपके प्लांट को। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, उनमें पानी देना बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। जितने दिन बारिश है उसके 2-3 दिन तक आप पानी बिल्कुल भी नहीं दीजिए, तो वो जो है वो रिकवर कर जाएगा। और अगर 4-5 दिन तक बिल्कुल भी सनलाइट नहीं है तो आप मैन्युअली जाके थोड़े से पत्तों के ऊपर से पानी आप प्लांट को जाके हिला दीजिए, तो जितना भी पानी है वो प्लांट की लीव्स के ऊपर से नीचे चला जाएगा। और जैसे ही तेज सनलाइट आती है सारे प्लांट्स को जिनको आपने शेड में भी रखा हुआ है सबको आप तेज सनलाइट की तरफ 1-2 दिन के लिए रख दीजिए, जहां पर मॉर्निंग से लेकर की बिल्कुल शाम तक की पूरी सनलाइट मिले उनको। तो जो जितनी भी प्रॉब्लम उनकी बारिश के कारण या कोहरे के कारण हुई है वो सॉल्व हो जाएगी। और आप कोहरे से बचाने के लिए, अगर बारिश नहीं है और रात के कोहरे से आपको प्लांट्स को बचाना है, तो आप पॉलीथिन लेके आपके प्लांट के गमले के ऊपर चढ़ा सकते हैं, सुबह वो पॉलीथिन उतार सकते हैं, तो कोहरे का कोई भी असर आपके प्लांट पर नहीं होगा। ओके, सो ये थी कुछ टिप्स जो आप फॉलो कर सकते हैं आपके प्लांट्स को विंटर में बहुत अच्छा रखने के लिए। अगर आप चाहते हैं इसी तरह की कुछ वीडियोस देखना तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना आपके सारे गार्डनिंग लवर्स फ्रेंड्स के साथ में। इसी के साथ में दी मयूरी साइनिंग ऑफ, बाय बाय।